हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अक्सर क्या होता है, हम जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, साथ ही साथ अगर हमें उसमें इमेज अपलोड करना होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम आ चुके हैं कि कैसे आप इमेज अपलोड करोगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो फॉर्म दिख रहा है ये है स्टूडेंट का डिटेल पेज। यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं अब डेटाबेस में, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर भी हम अपलोड करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर मल्टीमीडिया फाइल को जब हम अपलोड करते हैं डेटाबेस में, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम अपने जो कॉलम होते हैं, जिस भी कॉलम में हमें ये रिकॉर्ड अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपके, तो यहां पर हम अपलोड करने वाले हैं स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर। तो जैसे ही वो प्रोफाइल पिक्चर क्या है, एक इमेज फाइल है, इमेज फाइल को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस में जो टेबल आप बनाओगे ना, उस टेबल में कॉलम बनाओगे इमेज के नाम से, और उस कॉलम का ना जो डेटा टाइप होगा वो या तो वेयर बाइनरी होगा या फिर वो इमेज होगा। इसमें क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी कन्वर्जन वैल्यू आएगी उसको हम उस पर्टिकुलर कॉलम में सेव कर देते हैं, यानी कि डेटाबेस में सेव कर देते हैं, राइट। तो ये फॉर्म आप जो देख रहे हो, उस फॉर्म को कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में जाना है आपको। आपको एक पेज आपको ऐड करना है, कोई भी पेज, कुछ भी नाम होगा, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो DIV है, DIV के अंदर आपको एक टेबल बनाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेबल ले लेना है। ये जो लेबल है ना, इस लेबल का ID क्या होगा, LBL मैसेज, जिसमें कि हम अगर हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ है तो वो मैसेज हम इसमें शो कर देंगे। अब चलते हैं टेबल की तरफ। तो जो हमारा टेबल है ना, टेबल में आ जाओ। टेबल में हमने क्या एक कैप्शन दे दिया, जिसमें कि हमारा टाइटल होगा उस फॉर्म का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना टेक्स्ट, ये कैप्शन में जो है वही दिख रहा है आपको। अगला जो है हमारा, एक आपको रो बनाना है। इस रो में आपको क्या करना है, एक यहाँ पे लेबल जैसा कुछ टेक्स्ट दिखाना है, स्टूडेंट ID, ताकि ये जो फंक्शनलिटी आप देख पा रहे हो, स्टूडेंट ID, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट ID, यहाँ पर स्टूडेंट ID इंसर्ट करने के लिए हमने लिया है एक टेक्स्ट बॉक्स, जिसका ID txt ID। उसके बाद हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया, जिसका हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया है, रोज स्पैम 4, और यहाँ पर हमने लिया है एक इमेज कंट्रोल। इमेज कंट्रोल में हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे, और साथ ही साथ इमेज में हमने इमेज की जो ID है उस इमेज कंट्रोल की IMG फोटो, साथ ही साथ इसमें हाइट, विड्थ और एक बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर हमने सेट कर दिया है इसमें। फिर हम चलेंगे देख सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो में आएंगे, फिर से आपको एक कॉलम क्रिएट करना है जिसमें लिखना है स्टूडेंट नेम, और फिर एक अनदर कॉलम क्रिएट करना है जिसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसका ID होगा txt name, जिसमें कि हम नेम इंसर्ट करेंगे। वैसे ही फिर से हम थर्ड रो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे होगा स्टूडेंट क्लास, और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे इसी रो के दूसरे कॉलम में जिसका नाम होगा txt class, जिससे कि हम क्लास की एंट्री करेंगे। उसके बाद अनदर एक रो क्रिएट करेंगे, फिर एनुअल फी के लिए होगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे जो होगा txt fees, और फिर से एक रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे दो बटन होंगे। पहला जो बटन होगा वो होगा सेलेक्ट का, दूसरा बटन होगा हमारा इंसर्ट का, और उसके साथ ही साथ हमारा होगा फाइल अपलोड कंट्रोल। फाइल अपलोड कंट्रोल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, और साथ ही साथ ये जो देख रहे हो चूज फाइल, ये आपका फाइल अपलोड कंट्रोल है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सीधा ब्राउज वाला विंडो ओपन करेगा जहाँ से आप अपनी इमेज फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट रो है, इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पर आएगी एक आपको सिंगल कॉलम क्रिएट करना है, कॉल स्पैम 3 रखना है, और इसमें आपको 3 बटन्स ऐड करने हैं। जो पहला बटन होगा BTN अपडेट का, दूसरा BTN डिलीट, और तीसरा जो होगा BTN अपलोड। तो यहाँ पर अपडेट अगर आपको करना है तो ये वाला बटन यूज़ करेंगे, डिलीट करना है ये वाला बटन यूज़ करेंगे, और जब आप यहाँ से ब्राउज़ करते हो कोई इमेज फाइल, जब आप कोई इमेज फाइल ब्राउज करते हो, जो भी फाइल आपको सेलेक्ट अपलोड करना है, जब आप वो फाइल सेलेक्ट कर लेते हो, तब आपको मिलता है अपलोड इमेज का ऑप्शन। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो सेलेक्टेड इमेज है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो, अब स्क्रॉल करोगे, एक और लास्ट में रो है जिसमें हमने एक बटन लिया जिसका काम क्या है, रीसेट, जो कि क्या करेगा, पूरा का पूरा जो भी फॉर्म है वो रीसेट कर देगा। और लास्ट में हमने एक लेबल ले रखा है, इस लेबल में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे। और जब आप इसको रन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से खूबसूरत सा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, राइट। तो अभी डिज़ाइनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपने इसे ईजिली सीख लिया होगा, बना लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं, बस आपको टेबल के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर लेनी, अदरवाइज आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म, बट आपको ये सारे कंट्रोल होने चाहिए और ये बटन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो
अभी हमारा जो सेकंड टास्क होगा डिज़ाइनिंग के बाद, वो होगा कि डेटाबेस प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले आपको अपने SQL सर्वर डेटाबेस में आना है और यहाँ पर आपको एक नया टेबल क्रिएट करना है। तो सिंपली हम करेंगे क्रिएट, क्या क्रिएट करने वाले हैं, टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट, और इसमें जो कॉलम होंगे यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो पहला कॉलम होगा वो होगा SID, ये होगा इंटीजर टाइप का, और ये आपका होगा प्राइमरी की। सेकेंड जो होगा वो है आपका नेम, जो कि है आपका varchar50, ओके कॉमा। तो आपको हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी तो varchar को आप कॉपी कर लो, ओके। अगला जो कॉलम होगा वो होगा हमारा क्लास, क्लास की वैल्यू हम रखेंगे इंटीजर। अगला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा फीस, और फीस का जो डेटा टाइप होगा वो होगा मनी। एंड इसके बाद आपका आता है फोटो, फोटो। तो फोटो जो होगा, जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो पहले तो हम फोटो का नेम लेंगे varchar50, और फोटो नेम के बाद अब जो आपका फोटो होगा ना, उस फोटो का बाइनरी डेटा, जो भी फोटो आपने अपलोड किया है उस फोटो को आपने क्या किया होगा, उस फोटो को आपने बाइनरी कन्वर्जन किया होगा। तो फोटो बाइनरी, अब इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, वैर बाइनरी, ओके। और यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम रखेंगे मैक्स, क्योंकि हमें नहीं पता जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे उसका साइज क्या होगा। और उसके बाद आपका एक और कॉलम होगा, वो होगा आपका स्टेटस, और स्टेटस का जो डेटा टाइप होगा वो बिट होगा, ये होगा आपका नॉट नल। और इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा, राइट। तो ये है हमारा टेबल जो हम क्रिएट करने वाले हैं। ये डिलीट के लिए होगा, अगर स्टेटस 0 है इट मीन्स कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं, टेबल हमारा बन चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट की क्वेरी लगाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम स्टूडेंट, ओके। और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो अभी टेबल हमारा पूरी तरीके से एम्प्टी है। वापस टेबल हमारा बन चुका है, एंड अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो आपका सोर्स कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो हम आएंगे पेज के लोड इवेंट्स के सबसे टॉप पे। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट होगा आपका SQL कनेक्शन क्लास का, ये होगा कॉन, और जो दूसरा होगा आपका SQL कमांड क्लास का CMD। ये दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे। पेज के लोड इवेंट पे आपको क्या लिखना है, फिर से आपको जो कॉन ऑब्जेक्ट है उसको आपको रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ठीक है, जो आपका SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको आपको रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक readcs. यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे, राइट। अब उसके बाद हमारा जो CMD है इसको भी हम करेंगे इनिशियलाइज, यहाँ पे लिखेंगे न्यू SQL कमांड, ओके। ये लिखा मैंने SQL कमांड, एंड साथ ही साथ जो हमारा SQL कमांड होगा उस SQL कमांड में हम क्या करेंगे, कनेक्शन को पास करेंगे, ये देखो। ठीक है, अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हो तो आप यहीं पर cmd.commandType इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, अगर आप स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उस केस में, राइट। ये कुछ चीज़ें आपको दे देने हैं पेज के लोड इवेंट पे। तो जैसे ही पेज लोड हो तो आपका कनेक्शन और SQL कमांड का ऑब्जेक्ट, और ये आप जो टेक्स्ट दे रहे हो, क्वेरी जो दे रहे हो, आपको क्वेरी है या स्टोर प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाए, राइट। अब इसमें देखो, इसमें एक काम हमें क्या करना है, अब हमें चलना है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले अब चेक करना है कि यूज़र जो इमेज अपलोड कर रहा है, यहाँ पे देखो ये फॉर्म आप देख रहे हो, अब यहाँ पर ये जो चूज़ फाइल बटन आप देख पा रहे हो, इसका काम क्या है, इमेज को सेलेक्ट करना, इमेज को सेलेक्ट करना, जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हो उस इमेज को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ब्राउज बटन, एक विंडो ओपन होके आएगी। ठीक है, इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका इमेज है वो सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आप पिक्चर पे आ जाओ, और अगर यहाँ पर सपोज ये एक इमेज है, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कह रहा है कि आपका इमेज ये सेलेक्टेड है, राइट। ये हमारा इमेज क्या है, सेलेक्टेड है, इसका नाम क्या है, Image 1। अगेन हम यही इमेज फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, जो भी इमेज आप सेलेक्ट करोगे उसका नाम यहाँ पर दिख जाएगा विथ एक्सटेंशन। अब हमारे पास क्या है, अपलोड बटन। तो जैसे हम अपलोड बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा इमेज क्या हो जाना चाहिए, अपलोड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो अपलोड बटन है। ये जो अपलोड बटन है, यहाँ पर हम इस बटन का क्या बनाएंगे, क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे, राइट। इमेज अपलोड जो बटन है, तो यहाँ पर हम इसका
क्लिक इवेंट बनाएंगे, लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। ठीक है, इसका आपका इवेंट क्रिएट हो चुका है, ये आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हम बटन अपलोड, जो भी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, उसका अपलोड का कोड लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कंट्रोल है, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो कंट्रोल है इसका नाम क्या है, फाइल अपलोड, फाइल अपलोड वन, ये कंट्रोल है। तो यहाँ पर आ जाओ इस अपलोड बटन के क्लिक इवेंट पे। अब यहाँ पर आपको जो फाइल अपलोड करनी है उसका आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने फाइल सेलेक्ट किया या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन के अंदर आपको लिखना है आपके पास जो कंट्रोल है उसका नाम क्या है, फाइल अपलोड वन, फाइल अपलोड वन डॉट हैज फाइल। ओके, अगर आपने फाइल सेलेक्ट किया है तो इफ आपका इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इमेज को अपलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, इफ कंडीशन के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTTP पोस्टेड फाइल, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, आपके अपलोड फाइल से आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल, जो फाइल आपने पोस्ट की है ना उस फाइल का रिकॉर्ड। ये देखो इस तरीके से आपने ये बना लिया। तो अब आपका क्या है, आपको जो फाइल आपने अपलोड की है ना उस फाइल का डिटेल आपको इस सेलेक्टेड फाइल वाले वेरिएबल्स में आपको दिख जाएगा। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि हमें फाइंड आउट करना है एक्सटेंशन। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन। और फाइल एक्सटेंशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, ठीक है, सेलेक्टेड फाइल। यहाँ पे अब अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया पाथ आ गया। ठीक है, क्या लिखा हमने, हमने लिखा पाथ डॉट एक्सटेंशन देन सेलेक्टेड फाइल डॉट फाइल नेम। यहाँ से इसका क्या मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा। अभी देखो ये पाथ का क्या इशू है, पाथ डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, हमें यहाँ पर एक नेम स्पेस बनाना है जिसका नाम क्या होगा, नेम स्पेस का आपको लिखना है यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ इनपुट आउटपुट। ओके ग्रेट, अब जो एरर आ रहा था पाथ का वो देखो एरर यहाँ से चला गया। ओके, अब इस वेरिएबल में ना उसका जो भी फाइल जो आपने सेलेक्ट किया उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। इस बार हम एक्सटेंशन को वैलिडेट करेंगे। अब अपने पास जो फाइल एक्सटेंशन नाम का वेरिएबल है ना, ये यहाँ पे लाएंगे, हम लिखेंगे कि अगर इफ फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डॉट जेपीजी। ठीक है, ये भी क्या जेपीजी, क्या इमेज की फाइल का एक्सटेंशन है, एक तरह का फाइल है, इमेज फाइल है। तो फिर हम एक दूसरा ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है हमारे पास एक और एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू अगर ये इसका क्या हो गया डॉट डॉट बीएमपी, ये भी एक तरह का इमेज फाइल है। या फिर हमारा जो सेलेक्टेड फाइल हो ना, या जो हमारे फाइल का एक्सटेंशन हो वो क्या हो, फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू अब जो होगा वो डॉट सॉरी डॉट पीएनजी। ठीक है, हमने क्या लिखा, जेपीजी और आपका बीएमपी या पीएनजी। और इसी तरीके से जितने भी, अगर आपको जीआईएफ भी अप्रूव करना है, आप चाहते हो कि जीआईएफ भी अपलोड हो जाए, तो आपको उसका भी एक्सटेंशन इस इफ कंडीशन में देना हो। अगर उसके अलावा आपको पीडीएफ एक्सेल ये भी चाहिए तो आप ये भी एक्सटेंशन आप यहाँ से इस इफ कंडीशन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि भाई पहले तो चेक करो जो फाइल का एक्सटेंशन हो, या जेपीजी हो, बीएमपी हो, या पीएनजी हो, अगर ये तीनों में से कोई है तो ठीक है, इफ कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। और जब आपका इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, तो इस इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो स्ट्रिंग बनाएंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, आईएमजी नेम। अब नेम इक्वल टू, इसके नाम कहाँ से आएगा, आपका सेलेक्टेड फाइल से आएगा, सेलेक्टेड फाइल डॉट फाइल नेम, जहाँ से क्या हो जाएगा इमेज का नेम आ जाएगा। फिर एक और वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग जिसका नाम क्या होगा, फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ इक्वल टू, फोल्डर का पाथ कहाँ से आएगा, आप लिखोगे सर्वर डॉट मैप पाथ। ओके, आप लगाओगे ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ठीक है, और इसमें लिखोगे डबल कोटेशन। अब जरा सा ध्यान देना, सर्वर का मतलब क्या है, सर्विस एक्सप्लोरर में आ जाना, ये है आपका सर्वर, ठीक है, ये जो एरिया देख रहे हो आपका प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, ये पूरा का पूरा सर्वर है आपका। ठीक है, सर्वर डॉट मैप पाथ करोगे तो वो आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर में ले आएगा। अब यहाँ पर आपको इमेज कहाँ रखनी है, तो मैंने कहा ना यहीं पर एक पहले फोल्डर बना दो, मैं चाहता हूँ सारा इमेज एक फोल्डर के अंदर आके स्टोर हो, तो यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे इमेजेस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सारा का सारा जो इमेज हम अपलोड करेंगे वो इसी इमेज वाले फोल्डर में जाके सेव हो जाए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको पाथ पास करना पड़ेगा ना पूरा पाथ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे आपको ये वाला सिंबल लगाना है, फिर आपको लगाना है स्लैश, यहाँ पे लिखना है फोल्डर का नाम इमेजेस और ये स्लैश। ठीक है, इस तरीके से आपने वो प्रॉपर पाथ दे दिया कि भाई जो भी हमारा इमेज होगा वो इसी फोल्डर में इसी पाथ पे जाके सेव हो जाएगा। फाइन, तो आपका क्या हो गया, नेम मिल गया, फोल्डर का पाथ मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से हम बनाएंगे एक इफ कंडीशन। अब इस ये जो इफ बना रहा है इसका काम क्या होगा कि इन केस डज नॉट डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, अगर आपकी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं हुई, कौन सी डायरेक्टरी, जिसका पाथ फोल्डर पाथ वेरिएबल के अंदर है, अगर ये नहीं है, अगर ये सपोज ये इमेज वाला फोल्डर है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेगा ये, तो मैंने बोला भाई पहले तुम वो डायरेक्टरी बना दो, तो डायरेक्टरी क्रिएट डायरेक्टरी, राइट। यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया भाई, पहले चेक करो ये जो आपने अभी बताया ना कि इमेज फोल्डर के अंदर हमें सब कुछ अपलोड करना है, तो उसका रिकॉर्ड आ गया फोल्डर पाथ। तो मैंने कहा पहले भाई चेक कर लो कि सर्वर पे ये वाला डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट, और ये डज नॉट, ये क्या है, जस्ट निगेशन ऑपरेटर है, तो उल्टा हो जाएगा कि अगर डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करना है आपको, क्रिएट करना है डायरेक्टरी
कौन सी डायरेक्टरी जिसका नाम आपको इस फोल्डर पाथ वाले वेरिएबल में रखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेगा, एक डायरेक्टरी बना देगा इमेज के नाम से। इसके बाद हमारा एक अगला काम क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमारा सेलेक्टेड फाइल है ना, सेलेक्टेड फाइल डॉट, अब इस फाइल को सेव करना है, क्या करना है, सेव एज। कैसे सेव एज, क्या करना है इसको। अब सेव एज के लिए हमें फोल्डर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा भाई ये है क्या अपना फोल्डर, फोल्डर में क्या करना, इमेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम पाथ में इमेज का नाम कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे इसी लोकेशन पे सेव कर दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज और होगा, img photo डॉट, यहाँ पे लिखेंगे इमेज url इक्वल टू, अब आपके इमेज का जो भी url होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब हमारे इमेज का url क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा ये वाला सिंबल tilde slash images slash, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे प्लस आपकी जो इमेज का नाम होगा, ये देखो ये आ गया इमेज नेम। तो हमने कहा भाई जो भी इसका इमेज फोटो डॉट इमेज URL क्या होगा, तो आपके फोल्डर का नाम यानी कि पूरा पूरा पाथ, और पाथ के साथ आपकी फाइल का नाम, ये हो जाएगा पूरा इमेज URL। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि हमें क्या करना है, बैनरी में कन्वर्ट करना है इस चीज़ को ना, तो क्या लिखेंगे हम बाइनरी रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा br इक्वल टू न्यू बाइनरी रीडर। अब यहाँ पे हमें पास करना होगा सेलेक्टेड फाइल डॉट, आपको लिखना होगा यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम, ओके। ये देखो सेलेक्टेड फाइल डॉट इनपुट स्ट्रीम हमने ये दे दिया ताकि हम उस फाइल का बाइनरी कन्वर्जन कर सकें। और जब एक बार ये हो जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पे बाइट, बाइट के बाद यहाँ पे लिखना है आपको img डेटा, एक हम बाइट अरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, एक बाइट अरे बना रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, अब ये फाइल कहाँ से आएगी, br डॉट रीड बाइट्स, ओके। ये देखो रीड बाइट इमेज नेम, या फिर हम क्या लिखेंगे सेलेक्टेड फाइल, जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ, ठीक है। डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, डॉट कंटेंट लेंथ, ओके। तो जो भी फाइल होगी जिसका भी आपने बाइनरी कन्वर्जन किया है उसको हम इस बाइट वाले एरे में रख लेंगे। यहां से क्या होगा, कन्वर्टिंग द इमेज फाइल, इस लाइन का मतलब क्या है, इन दोनों लाइन का मतलब ये हो गया कि कन्वर्टिंग द इमेज फाइल इनटू बाइट यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में, एंड स्टोरिंग इमेज नेम एंड इमेज बाइनरी वैल्यू इन सेशन में अभी इंस्टोर करना है, साथ ही साथ उसी को हम डेटाबेस में ले चलेंगे, जो वैल्यू सेशन में है उसी को हम डेटाबेस में ले चलेंगे। और फिर अगर हम सेशन में क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर कल को हमें अपडेट करना हुआ या इंसर्ट करना हुआ तो उस टाइम पे ये हमारी हेल्प करेंगे। देन हम यहाँ पर एक सेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इस सेशन ऑब्जेक्ट का नाम होगा यहाँ पे फोटो नेम, और फोटो नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके img नेम वाले वेरिएबल से आएगी, ओके। फिर एक और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेशन ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा फोटो बाइनरी, और इस फोटो बाइनरी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पास img डेटा नाम का एक वेरिएबल है यहाँ से आ जाएगी। तो ये कोड आपने लिखा है प्रॉपर, पूरा का पूरा कोड किसके लिए, रिकॉर्ड को, जो भी आपका फाइल है उस फाइल को अपलोड करने का। तो देखो यहाँ पे अगर इफ ब्लॉक ट्रू होगा तो ये सारा कोड यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। पर अगर आपका एक्सटेंशन यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये तो एक्सटेंशन थी, अगर एक्सटेंशन का जो इफ आपने दिया है यहाँ पे, जो भी फाइल मैंने सेलेक्ट किया वो फाइल सपोज exe फाइल है, तो आपका ये इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इसका क्या बनेगा, एक else ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होगा, और यहाँ पर आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, तो वो मैं दे देता हूँ, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसके अंदर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, इसके बाद लिखेंगे अलर्ट, अलर्ट के अंदर सिंगल कोटेशन में आपका जो भी मैसेज है। तो मैंने ये कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे इस मैसेज में बता दिया कि भाई ये सब अपलोड हो रहे हैं ओनली, ठीक है। ये देखो राइट, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो हमारा ये है इफ ब्लॉक, ये इफ का हो गया इल्स ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो इफ है ना, इसका आपको बनाना है यहाँ पे इल्स, ओके, फाइल अपलोड का। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये आप ये वाला कॉपी कर लो पूरा का पूरा इल्स, और इसको लाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पर बस आपको सिर्फ ये मैसेज चेंज करना है, सेलेक्ट एन इमेज फाइल टू अपलोड, ओके। ये देखो परफेक्ट, तो यहाँ पर आपका इमेज अपलोड का जो कोड है वो हो चुका है, यही वो स्टैंडर्ड कोड है जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक रीसेट बटन है, तो रीसेट बटन का कोड ना बहुत ही इजी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे ऑन क्लिक इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, तो आपके जो आपका क्लियर बटन है इसका क्लिक इवेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि एक मेथड में बना लेता हूँ, प्राइवेट वाइड क्लियर डेटा नाम का एक हमने बना लिया मेथड, और ये मेथड हम क्या करेंगे, जब भी हम क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब इस क्लियर मेथड में क्या होगा, जितने भी आपके कंट्रोल हैं, जैसे कि txt id.text इक्वल टू txt name.text इक्वल टू txt class.text इक्वल टू एंड txt p.text
इक्वल टू, एंड एक और चीज है LBL MSG डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और साथ ही साथ है आपका IMG फोटो अपलोड, IMG फोटो डॉट इमेज URL इक्वल टू, हम क्या करेंगे नल। तो इन सभी में हमने क्या कर दिया भाई, नल कैंसिल, मतलब कि उसमें अगर रिकॉर्ड है कोई तो उसको क्या कर देना है आपको, कैंसिल कर देना है, क्लियर कर देना है। देन हमारे पास क्या है, सेशन ऑब्जेक्ट है, सेशन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर रखे हैं दो सेशन ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेशन ऑब्जेक्ट आप कॉपी कर लो। सेशन ऑब्जेक्ट जो आपका फोटो नेम है, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके फोटो बैनरी वाला जो सेशन होगा उसकी वैल्यू होगी, और फोटो बैनरी वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका नल होगा, ये देखो। अब अगला हमें काम क्या करना है, हमें चलना है, हमारे पास क्या है एक और हमारे पास बटन है जिसका नाम क्या है, सेलेक्ट बटन। अब सेलेक्ट बटन का काम क्या है, हमें बेसिकली सर्च का कोड करना है, सेलेक्ट पे क्या करना है रिकॉर्ड को सर्च करना है। तो सर्च कैसे करोगे रिकॉर्ड, तो सबसे पहले आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, हमारे पास क्या है सेलेक्ट बटन, यानी कि ये है हमारा सेलेक्ट बटन। सेलेक्ट बटन का कोड लिखने से पहले हमें बटन का क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। अगर आप ट्राई कैच लगाओगे तो जो भी एक्सेप्शन आएगा उससे आप बच सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो LBL मैसेज है ना डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे EX डॉट मैसेज, उसी लेवल में जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हम यहाँ पे उसको राइट कर देंगे। दोस्तों ट्राई कैच के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CMD डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर जो भी आपको क्वेरी देना है SQL की वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब जरा सा ऊपर ध्यान दो कि पेज के लोड इवेंट पे ना हमने यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो भी हमारी क्वेरी होगी वो क्या होगी, स्टोर प्रोसीजर होगी, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो हमें स्टोर प्रोसीजर बना लेना होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, आपको स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो क्रिएट करो, लाइक कैसे लिखोगे, क्रिएट प्रोसीजर जिसका नाम क्या होगा SP। अब यहाँ पर आप रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हो किसके, ID के द्वारा ना, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, एक पैरामीटर बनाओगे @SID integer देन एज बिगिन इंड और गो, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, सेट नो काउंट ऑन, इसके बाद अब आपको लिखना है सेलेक्ट क्वेरी, तो आप लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अब आपको जितने भी कॉलम आपने इसमें सेट कर रखे हैं, जैसे कि सेलेक्ट करो SID नेम के बाद क्लास एंड फी के बाद फोटो नेम कॉमा दो, फिर आपको फोटो बैनरी, राइट, फोटो बैनरी भी सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टेबल का नाम दे दिया आपने, एंड यहाँ पर हम एक लगाएंगे एक वेयर कंडीशन, वेयर आपका स्टेटस इक्वल टू 1 हो एंड SID की जो वैल्यू होगी @SID से आएगी, ओके। तो जो SID की वैल्यू हो वो हमने जो SID वाला वेरिएबल ऊपर बना रखा है वहाँ से आएगी। तो बस ये एक छोटा सा आपका स्टोर प्रोसीजर है, इसको आपको करना है सेलेक्ट और एग्जीक्यूट करेंगे आपका ये बन जाएगा। इसका नेम हम कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे कोड में, तो हम अभी सेलेक्ट बटन का कोड कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पास कर देना है अपना स्टोर प्रोसीजर, एंड देन आपको क्या करना है, आपको जो कनेक्शन है उसे ओपन करना है, फिर हमें SQL डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि होगा DR इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर मेथड, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना होगा। एंड अब आपका रिकॉर्ड आ जाएगा DR ऑब्जेक्ट में, तो आपके पास है इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, DR डॉट रीड। अब हमें एक एक करके सारा रिकॉर्ड रीड करना है, तो जो पहला रिकॉर्ड होगा वो जाएगा हमारे नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, DR, और DR के अंदर आपको मिलेगा नेम वाला फील्ड, इसकी जो वैल्यू होगी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे शो कर देना है। ये आपको यहाँ पे करना है इसको क्लोज, और ये आपको यहाँ से डिलीट करना है, ये देखो। तो आप ये कॉपी कर लो इधर से। नेक्स्ट है आपका TXT क्लास डॉट टेक्स्ट, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, क्लास से आएगी, परफेक्ट। नेक्स्ट आपका है TXT डॉट टेक्स्ट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, फीस से आएगी, फीस। एंड अगेन आपका जो नेक्स्ट कंट्रोल होगा
वो होगा आपका इमेज के लिए। तो इसके लिए हम पहले तो फिर से एक लगाएंगे इफ़ कंडीशन, क्योंकि मे बी इमेज अगर आपका नल हुआ तो क्या करेंगे, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी आर आपका क्या है ये फोटो नेम, अगर फोटो नेम डज नॉट इक्वल टू व्हाट डी बी नल परफेक्ट डॉट वैल्यू। अगर भाई फोटो में वैल्यू है और नल नहीं है तो आई एम जी फोटो डॉट इमेज यू आर एल इक्वल टू आपको क्या देना, व्हाट इज आई एम जी फोटो क्या है एक बार हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पर आपने एक ये देखो एक इमेज कंट्रोल ले रखा है जिसका नाम क्या है आई एम जी फोटो। तो इस कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, उस कंट्रोल में हम इमेज सेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको लिखना डबल कोटेशन, इसमें लिखना है स्टिल्ड इमेजेस स्लैश एंड आपको देना है प्लस, प्लस के बाद ये वैल्यू कहाँ से आ रही है डी आर, और डी आर के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपके फोटो का नाम और लास्ट में सेमी कॉलम। ठीक है, फोटो का नाम आ गया एंड देन आपको क्या लिखना है सेशन में जो आपका सेशन वेरिएबल ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं फोटो नेम इक्वल टू डी आर फोटो नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखो। ठीक है, तो जो इमेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना उसको क्या करेंगे हम, फिर से हमने उसको उसका जो नाम है सेशन ऑब्जेक्ट में रख लिया। अगर ये इफ आपका फेल्स हो जाता है यानी कि फॉल्स हो जाता है इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो इसका इल्स पार्ट हम क्रिएट करेंगे। इल्स में हमें क्या देना है हमारा आई जो हमारा कंट्रोल है आई एम जी फोटो डॉट इसका जो इमेज यू आर एल है इक्वल टू भाई नल हो जाएगा, नल के साथ ही साथ हमारे पास जो सेशन है ना फोटो, तो ये वाला सेशन कॉपी करो सेशन फोटो नेम इक्वल टू ये भी हो जाएगा नल ये। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से वापस आते हैं, फिर से बनाएंगे एक हम इफ कंडीशन फिर से क्रिएट करेंगे, और इस इफ कंडीशन में इस बार हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आपके फोटो बाइनरी, फोटो बाइनरी, और फोटो बाइनरी में भी हम क्या करेंगे इल्स ब्लॉक यूज करेंगे। तो सिंपली इसका इल्स ब्लॉक भी हमने बना लिया, बसरते ये चीज़ थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बाइनरी के लिए बना रहे हैं, अगर डी आर फोटो बाइनरी डज नॉट इक्वल टू डी बी नल डॉट वैल्यू, अगर ये नल नहीं हुआ तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सेशन ऑब्जेक्ट, और सेशन ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है फोटो बाइनरी, तो बाइनरी इक्वल टू जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको हम बाइट में पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक बाइट में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो रिकॉर्ड आ रहा है कहाँ से आ रहा है व्हाट इज़ बाइट, बाइट एरे होगा, तो ये जो रिकॉर्ड आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है आपका डी आर डॉट सॉरी डी आर, और यहाँ पर आपको लगाना है डबल कोटेशन, यहाँ पर आपको लिखना है फोटो बाइनरी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली इल्स पार्ट में क्या करेंगे जो आपका फोटो बाइनरी है उसमें हम नल स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा इफ ब्लॉक, जस्ट मिनट, यहाँ पर देखो ये है आपका इफ और ये है इसका इल्स, फिर से आपने बनाया इफ और इसका इल्स। अब यहाँ पर चलते हैं, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका फिर से बनेगा इल्स पार्ट, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इस केस में आपको एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा, और इसमें बस सिर्फ आपको ये टेक्स्ट जो है वो चेंज करने हैं। यहाँ पर आपको लिखना है नो स्टूडेंट एग्जिस्ट विथ गिवन आईडी, क्लियर डेटा का जो मेथड है आपको वो कॉल करना है, और यहाँ फाइनल में क्या करेंगे कॉन डॉट क्लोज, तो आपका जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। वापस हम चलते हैं अपने डिज़ाइन में, अभी हमें चलना है हमारे पास जो इंसर्ट बटन है ना, इंसर्ट बटन के क्लिक इवेंट पे। तो अब इंसर्ट बटन की कोड करने के लिए सबसे पहले आप तो आपको इस बटन का क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, तो बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जब भी हमने बटन का क्लिक इवेंट जनरेट किया तो ट्राई कैच आप लगा सकते हो, ठीक है, सिंपली ट्राई कैच लगाना मत बोलना, क्योंकि अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई कैच उसे इजीली हैंडल कर लेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरह का हमें एक्सेप्शन मिलेगा, वो भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो इमेज फाइल है वो 10-10 एमबी की भी हो जाती है, कभी कभी हम लार्ज इमेज फाइल अपलोड कर रहे हैं तो इस केस में वो एक्सेप्शन आपको दे देगा। तो मेक श्योर कि आपको ट्राई कैश लगाना है ताकि आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर फिर से हमेशा की तरह आपको लिखना है सी एम डी डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू आपको लिखना है कमांड का टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम देंगे अपना स्टोर प्रोसीजर, और स्टोर प्रोसीजर अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले
हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट, प्रोसीजर इसका नाम होगा एसपी इंसर्ट स्टूडेंट। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे, तो सबसे पहले जो अपने क्रिएट वाला टेबल है ना वहाँ पर आ जाओ, क्रिएट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड आपने ले रखा है वो सब कुछ कॉपी कर लो और यहाँ पर आकर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमने क्या बोला कि भाई हमारा एक आपका होगा, हम यहाँ पे पैरामीटर बनाना है ना, इनका पैरामीटर बनाना है तो बनाएंगे, एक होगा आईडी, दूसरा होगा आपका नेम, तीसरा होगा आपका क्लास, नंबर फोर्थ होगा आपका पी, उसके बाद फोटो, और उसके बाद आपका हो जाएगा बैनरी, फोटो बैनरी, और स्टेटस, स्टेटस बिट। ओके ये देखो सिंपल। अब ये हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट कर लिए, इसके बाद हमें लिखना है एस एंड देन बिगिन, उसके बाद आपको लिखना है अभी यहाँ पे जो इंसर्ट लिखा है क्या लिखोगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे कॉलम के नेम, देन आपको लिखना है वैल्यूज, और फिर यहाँ पे वैल्यूज। अब कॉलम, अब जो भी आ रहे हैं ना आपके ये सारे कॉलम यहाँ से कॉपी कर लो आप। अब कॉलम के नेम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहला क्या होगा स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, फी, फोटो, फोटो बैनरी, और साथ ही साथ हमें क्या देना पड़ेगा एक हमारा स्टेटस पे देना पड़ेगा स्टेटस। अब एक चीज़ याद रखना, जब आपने टेबल क्रिएट किया था उस टाइम पे आपने क्या बताया था कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वन सेट कर देना, अगर कोई बंदा स्टेटस की वैल्यू पास नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वन सेट कर देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे ये स्टेटस देने की ज़रूरत ही क्यों है जब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वन कर देना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, जितने कॉलम की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ तो उतना कॉलम आपको टेबल के जस्ट नेम के बाद आपको कॉलम के नाम दे देने हैं जिनकी वैल्यू आपको पास करनी है, और उसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी पैरामीटर से, पैरामीटर क्या है एट द रेट सीड, एट द रेट नेम, एट द रेट क्लास, एट द रेट फीस, एट द रेट फोटो इमेज, एट द रेट फोटो बैनरी। तो यहाँ से वो वैल्यू आ रही है, सिंपल ये हमारा बन गया स्टोर प्रोसीजर। आपको क्या करना है ये सारे स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट कर लो, एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, अच्छा यहाँ पर एरर आ गया, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एस पी इंसर्ट स्टूडेंट। अच्छा ओके फाइन, तो हम क्या लिखेंगे एस पी, इसको हम एक ऑलरेडी इन स्टोर प्रोसीजर है यहाँ पे, तो लिखेंगे सेव स्टूडेंट राइट। ये देखो अब हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज कर दिया क्योंकि हर स्टोर प्रोसीजर का यूनिक नेम होना चाहिए, तो ये आपको कॉपी कर लेना है स्टोर प्रोसीजर और यहाँ पर आके आपको ये पेस्ट कर देना है स्टोर प्रोसीजर का। ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हमारा ये भी हो जाएगा ओके। और जब ये हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पे आपको मैसेज देना होगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है इंसर्ट हो चुका है। तो सिंपली आप लिखोगे स्क्रिप्ट ओपन, यहाँ पे सिर्फ हमने स्टोर प्रोसीजर दिया है, कनेक्शन ओपन होगा एग्जीक्यूट होगा, बट प्रॉब्लम यह है कि पैरामीटर हमने भी सेट नहीं किया ना, तो पैरामीटर हम कहाँ पे सेट करेंगे, जितने भी पैरामीटर है सब हमें सेट करना है। तो पैरामीटर के लिए ना हम क्या करते हैं एक मेथड बना लेते हैं अलग से स्पेशली फॉर पैरामीटर, तो वो क्या होगा वो ईजी हो जाएगा अपने लिए क्योंकि हमें इंसर्ट में भी पैरामीटर चाहिए, अपडेट में, डिलीट में भी पैरामीटर चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि हम एक पैरामीटर बना लेते हैं प्राइवेट वाइड, इसका नाम लिखेंगे ऐड पैरामीटर्स ओके। ये देखो यहाँ पे अब पैरामीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी एम डी डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, और यहाँ पे डबल कोटेशन फिर कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे ऐट द रेट एस आई डी टी एक्स टी आई डी डॉट टेक्स्ट। ये चीज़ हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ से आपको सो आई डी नेम क्लास फी ये तीन पैरामीटर यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं जो हमारे फोटो वाले हैं इमेज वाले पैरामीटर हैं उनकी तरफ, तो उसके लिए क्या करेंगे एक पहले तो हमें इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसमें हमें चेक करना है किसको चेक करना है, हमारे पास क्या है सेशन ऑब्जेक्ट है ना सेशन, अब सेशन का नाम क्या है आपका है फोटो नेम, अगर ये सेशन क्या है डज नॉट इक्वल टू नल ओके, अगर ये नल नहीं हुआ तो फिर इसी को कॉपी कर लो और इसका यहाँ पे बनाओ इल्स पार्ट, ये हो गया। और इसके जस्ट बाद ना क्या बनाएंगे हम, तो फिर से हमने क्या बना इफ बना दिया है और इफ़ के अंदर आपको ये वाला कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे फोटो नेम की जगह पे क्या होगा फोटो बाइनरी हो जाएगा
और फिर इसका भी क्या हो जाएगा, आपका इल्स पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो ये देखो, तो अगर भाई इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है तो सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, और यहाँ पर आपका जो भी पैरामीटर का नाम है फोटो नेम। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी सेशन से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू आपको यहाँ से करनी है कॉपी। यहाँ पर हम लिखेंगे आपका जो सेशन फोटो नेम है इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और ये वैल्यू आपको क्या करना है पैरामीटर में ऐड कर देनी है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे cmd dot parameter dot add with value यहाँ पर ये लिखना है, देन पैरामीटर का नाम देना है आपको एट द रेट फोटो नेम, और फोटो नेम जो है ना की वैल्यू सपोज है db null dot value। फिर से आपको लिखना पड़ेगा cmd dot, देन फिर से आपको लिखना है cmd dot parameter dot, पैरामीटर के बाद जस्ट सिंपली आपको लगाना है आपका जो पैरामीटर का नाम है, क्या नाम है आपका पैरामीटर का, एट द रेट डबल कोटेशन में एट द रेट फोटो नेम, फोटो नेम डॉट क्या है ये एस क्यू एल डी बी टाइप, एस क्यू एल में यानी टेबल में उसका डेटा टाइप क्या है आप लिखोगे इक्वल टू एस क्यू एल डी बी टाइप डॉट वेर कैर। किसकी बात हो रही है, नेम की बात हो रही है ना, तो ठीक है नेम की बात हो गई। अब वैसे ही अगर हम फोटो बैनरी की बात करेंगे तो अगर आपके फोटो बैनरी में वैल्यू हुई तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे फोटो बैनरी, देखो ये फोटो बैनरी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये वाला कोड फिर से कॉपी कर लो। हम क्या कर रहे हैं इल्स पार्ट में, क्या कर रहे हैं कि अगर वो इम्पटी है सेशन तो डेटाबेस में हम इम्पटी वैल्यू उसमें सेट कर देंगे। देखो डी बी नल सेट कर रहे हैं ना, तो वही हम सेट कर देंगे। फिर से क्या करो, ये कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, यहाँ पे इसको पेस्ट करो। अभी देखो ये db null तो होगा बाइनरी के केस में, ये क्या होगा आपका db null तो होगा, बट जो डेटा टाइप है ना वो डेटा टाइप ये क्या होगा वेर बाइनरी होगा यहाँ पे। ओके तो बस हमारा ये पैरामीटर का काम हो चुका है। अब इसी पैरामीटर को हम ना कॉपी कर लेते हैं, इसको जो हमारा ऐड बटन है ना इंसर्ट बटन पे आएंगे। इंसर्ट बटन के आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर वाला मेथड यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो यहाँ से पैरामीटर आ जाएगा, फिर कनेक्शन ओपन होगा, फिर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। अगर सब कुछ सही होगा तो ये आपको क्या कर देगा, एक रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू डेटाबेस ये मैसेज दे देगा, एंड फाइनल में आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई कैच एक्सेप्शन आया तो कैच में आपका वो एक्सेप्शन आपके लेवल में शो हो जाएगा। तो यहाँ से इंसर्ट बटन का काम हो गया। अभी हम क्या करते हैं, वापस इस आते हैं अपने डिज़ाइन पर, राइट क्लिक करेंगे, अब हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं, हम सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं सेलेक्ट बटन की हेल्प से, और साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हम इमेज अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके तो सबसे पहले जो बंदा आ रहा है उसका आईडी होगा 11, इसका नाम हो जाएगा राहुल कुमार, और इनका जो क्लास होगा ये क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट है, और इनका जो एनुअल फ़ी है वो सपोज 1200 रुपये। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, बट हमें इमेज भी अपलोड करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इमेज, यहाँ पर चले गए और हमारे पास कोई इमेज है क्या, ये एक इमेज है, इसी इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये इमेज क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया, अब देखो यार यहाँ पे इंसर्ट पे तो अपना ये एरर आ गया। अब ये जो एरर है ना, इस देखो ये एरर है कहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर बनाया है ऐड पैरामीटर, ऐड पैरामीटर में आप आ जाओ, यहाँ पे जब आप बैनरी के लिए बना रहे हो ना ऐड पैरामीटर बैनरी के लिए बना रहे हो, तो सिंपल सी है कि यहाँ पे देखो आपने लिखा सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, फिर आपने यहाँ पे लिखा फोटो बैनरी। हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू है ना, तो बाइनरी वैल्यू को हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप ब्रैकेट लगाओ, इस ब्रैकेट में क्या देखोगे, आपको लिखना है बाइट एरे, ठीक है आपको बनाना है बाइट एरे। अब ये जो बाइट एरे होगा, जस्ट मिनट, अब जो भी आएगा ना वो आएगा किसमें, बाइट फोटो बाइनरी में। इसकी वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हमें स्ट्रिंग चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, बाइट टाइप की वैल्यू चाहिए। ये देखो क्योंकि हम स्टोर करने जा रहे हैं तो हमें बाइट टाइप की वैल्यू चाहिए जो कि हम स्टोर करने वाले हैं। अच्छा ये तो बात हो गई कि यहाँ पे ये इसकी बात हो गई, बट व्हाट अबाउट फोटो, फोटो कहाँ गई, क्या फोटो अपलोड हो गई। वापस चलते हैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने का तरीका क्या, राइट क्लिक करो,
कहीं पे रिफ्रेश बटन दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाओ और ये देखो ये दिख रहा है रिफ्रेश बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर ना यहाँ पर आ जाओ, इस इमेज पे राइट क्लिक करो इमेज फोल्डर पे और इसको ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करोगे देखो इमेज फोल्डर के अंदर ये वाली एक फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, पड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पे हम स्टूडेंट का एक आईडी ले लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट का एक नाम ले लेते हैं, यहाँ से हम उसका क्लास ले लेते हैं और उसकी जो फीस है हम वो यहाँ पे ले लेते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक इमेज फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हम ये वाला एक लोगो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये इमेज अपलोड हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो रिकॉर्ड है आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंसर्ट हो गया। तो अब हम चलेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस में आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च करना है। इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखो जो भी हमने इंसर्ट किया था वो सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ये फोटो का नाम है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो फोटो को बैनरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, स्टेटस उसका 1 है, ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब अगला 6 का बच्चा है और इसकी जो फीस है वो 1250 रुपये, राइट। और सपोज अभी मैंने इमेज, देखो इमेज मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इमेज मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया विथ नल वैल्यू के साथ। नल वैल्यू इसमें अगर आपने इमेज नहीं दिया है तो इमेज में नल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप देखो नल है आपका इमेज नेम और इमेज की वैल्यू नल है। एक चीज़ और करेंगे कि जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो या इंसर्ट हो तो आपको क्लियर जो फंक्शन है वो आपको कॉल करना है हमेशा। तो क्लियर फंक्शन को क्या करेंगे, ये आपका इंसर्ट है, आपका ये जब हो जाए तो इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, क्लियर डेटा वाला जो फंक्शन है ना वो आपको कॉल करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करो। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 12, जो कि आप अगर टेबल में देखोगे एक है बंदा जिसका आईडी क्या है 12, तो 12 मैंने एंटर किया, यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि स्टोर प्रोसीजर फंक्शन एस आई डी विच वॉज नॉट सप्लाइड। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, क्या पास करना है, cmd.parameter. क्या है ये add with value, साथ ही साथ यहाँ पे देना है @SID और SID की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी आपके txt id.text वाले कंट्रोल से आ जाएगी। ठीक है, यही वो कह रहा है कि आपने ये वाला पैरामीटर पास नहीं किया है। तो अब आप इसको राइट क्लिक करो और विन ब्राउजर पे क्लिक करो, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 12 और जैसे हम सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो जो भी इमेज था और जो भी उसका डिटेल था प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं 13 को करता हूँ सेलेक्ट, 13 मैंने एंटर किया और यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक किया तो 13 का नाम तो आ गया, नेम क्लास और फीस तो आ गई, बट उसमें कोई भी इमेज नहीं है तो इसलिए इमेज नहीं है इसमें। ओके, और अगर मुझे अपडेट करना है, इसमें तो इमेज नहीं है पर अगर क्या मैं इमेज अपडेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे चूज़ इमेज पे सपोज़ कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लो, अपलोड पे क्लिक करो, अभी तो इमेज अपलोड हुई है पर अपडेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर अपडेट का होगा, जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। पर क्या होगा अगर मैं इसको कर देता हूँ 14 और यहाँ पर इसका नाम मैं बदल देता हूँ, ये नाम हो जाएगा ठीक है, और ये जो बंदा है क्लास 3 का है और क्लास 3 की जो प्राइस है वो 1100 रुपये है और ये मैंने कर दिया इसको इंसर्ट, ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका। वाकई में एक बार हम 14 को सर्च करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक किया और परफेक्टली आपका ये रिकॉर्ड आ गया। तो भाई अभी हमने सीखा सिर्फ सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, फ़ोटो अपलोड करना, अभी अपडेट और डिलीट ये आपको इसी वीडियो में बताएंगे, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपडेट बटन की, तो अपडेट बटन का कोड लिखने से पहले हमें इसका क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू और क्रिएट न्यू इवेंट, इससे क्या होगा आपका बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड करना है, अपडेट का कोड करना है। तो जो कोड आपने इंसर्ट में किया था ना, इंसर्ट बटन पर जो भी कोड किया ये सारा कोड कॉपी कर लो मेरे भाई, इस कोड को ला के पहले यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है,
अब यहाँ से मॉडिफिकेशन क्या करना है, पहले तो हमें स्टोर प्रोसीजर बदलना पड़ेगा, ये बदल दिया हमने, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, इतना कोड तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ओके। एंड अब हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, देखो जो ऐड पैरामीटर मेथड है यहाँ से सारे पैरामीटर आ जाएंगे आपके, अगर आप इसको चेक करोगे तो सारा पैरामीटर को यहाँ पे मेंशन है, सारा का सारा पैरामीटर यहाँ पे मेंशन है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर इसका क्रिएट करना है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम आएंगे अपने डेटाबेस में SQL सर्वर पे, यहाँ पे जो इंसर्ट का जो स्टोर प्रोसीजर लिखा था ना, सेम स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो इंसर्ट बटन का और वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट स्टूडेंट। अब अगर आप स्टूडेंट को अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे पैरामीटर भी जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेरी बस चेंज करनी है, क्वेरी क्या चेंज करनी है, आपको लिखना है यहाँ पे क्या अपडेट करते हैं, टेबल स्टूडेंट को, और इसमें क्या करेंगे हम सेट करेंगे। अब इसमें क्या सेट करेंगे, आपको सेट करना है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट आईडी तो हमें यहाँ पे नहीं देना है स्टोर प्रोसीजर में, ये हमारा होगा वेयर कंडीशन में। तो हम क्या सेट करेंगे, हम करेंगे नेम सेट करेंगे, नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने पैरामीटर बना रखा है एट द रेट नेम, यहाँ से नेम की वैल्यू आएगी। फिर अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास के लिए भी हमने क्लास नाम का पैरामीटर बना रखा है, उसी तरीके से फीस के लिए भी हमने एक पैरामीटर बना रखा है एट द रेट फीस, जस्ट मिनट ये क्या होगा, एट द रेट होगा, ओके। और फिर ये क्या है, फोटो है आपका, फोटो के लिए भी एक पैरामीटर है फोटो नेम, और फिर आपका हो जाएगा फोटो बैनरी, ठीक है। और इधर से ये सारी चीज़ें आपको हटानी है, और इधर से ये भी हटा देना, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, वेयर एस आई डी इक्वल टू एट द रेट एस आई डी, ठीक है। वेयर कंडीशन आपने लगा दिया, अब ये बन गया आपका अपडेट का स्टोर प्रोसीजर, इसका नाम क्या है, क्रिएट प्रोसीजर अपडेट स्टूडेंट। तो ये आपने कुछ पैरामीटर डिफाइन किए, यहाँ पर एज बिगिन अपडेट करो स्टूडेंट करो सेट करो, नेम की वैल्यू जो होगी वो एट द रेट नेम से आएगा, क्लास इस तरीके से जितने भी कॉलम्स हैं सबको डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने वेयर कंडीशन लगाया किसका करना है, जिसका स्टूडेंट आईडी हम इस वाले पैरामीटर से पास करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये आप सेलेक्ट करो एग्जीक्यूट करो, आपका ये प्रोसीजर बन जाएगा, इसका नाम कॉपी करना कोड में आना और यहाँ पर इसका नाम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट नाम पेस्ट कर दिया, बाकी सारा कुछ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पैरामीटर डिफाइन कर चुके हैं और इस पैरामीटर में सभी वैल्यू आ रही हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका ईजिली अपडेट हो जाएगा। तो जैसा हमने अपडेट का कोड किया ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, डिलीट का करेंगे। तो डिलीट के लिए फिर से आप क्या लिखोगे, डिलीट बटन का फिर से आप जनरेट करोगे, बटन का क्लिक इवेंट, ये हुआ जनरेट बटन का क्लिक इवेंट। अब भाई क्वेश्चन क्या आ गया, अब क्या हम सेम कोड लिखेंगे इसके लिए भी, बिल्कुल हाँ। तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंसर्ट का या अपडेट बटन का जो भी कोड है कॉपी करके पेस्ट कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अपने को ऐड करना है पैरामीटर। अब याद रखना, पैरामीटर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए ना। अब चाहो तो ये मेथड कॉल कर सकते हो, अगर आप ये मेथड कॉल करोगे ऐड पैरामीटर डिलीट के केस में, तो यहाँ पे सभी पैरामीटर इसमें शामिल हो जाएंगे, क्या सभी के सभी पैरामीटर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। पर हमें क्या करना है, हमें वो पर्टिकुलर एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करनी है ना। तो अगर हमारे पास ये वाला भी पैरामीटर हुआ आईडी का, तब भी अपना काम हो जाएगा, तो बाकी सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी को हम पास कर सकें। तो हमने कहा भाई ये स्टूडेंट आईडी होगा और इसी को डिलीट करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो हम प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, जस्ट मिनट ये इसको कॉपी कर लिया, डिलीट के लिए जो हम प्रोसीजर क्रिएट करेंगे उसमें हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये मैंने बनाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट, ओके डिलीट स्टूडेंट, और इसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक पैरामीटर, ओनली स्टूडेंट आईडी चाहिए। अगर स्टूडेंट आईडी मिल गई तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम आपके टेबल का नाम, और इसमें आपका होगा सिर्फ और सिर्फ वेयर कंडीशन, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ये। तो इससे क्या होगा, वो सब कुछ डिलीट कर देगा, और आपको इसको करना है एग्जीक्यूट, सक्सेसफुली क्रिएटेड, और ये स्टोर प्रोसीजर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके ठीक है। तो भाई ये हो गया स्टोर प्रोसीजर, और यहाँ पर हमने एस आई डी पास कर दिया, और अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो इसको हमने सेव कर लिया, बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड, ये देखो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ये हो गया डिलीट बटन का कोड। तो यहाँ पर देखो एक और मॉडिफिकेशन करेंगे,
यहाँ पर जो हमने क्वेरी लिखा है ना डिलीट के लिए, डिलीट के लिए हमने क्या बताया था आपको, जब भी हम डिलीट करेंगे ना तो रिकॉर्ड को परमानेंटली टेबल से रिमूव नहीं करेंगे, पर अगर हमने ये क्वेरी यूज़ किया ना, ये क्वेरी क्या करेगा, परमानेंटली उस रिकॉर्ड को टेबल से रिमूव कर देगा। तो हम ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी जगह पे अपडेट क्वेरी यूज़ करेंगे, जिसपे हम क्या करेंगे कि जो भी जिसका भी हम इस अकाउंट डिलीट करने जा रहे हैं बस उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे, स्टेटस की वैल्यू को हम ज़ीरो कर देंगे, बस यही होगा। अगर उसके स्टेटस की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, वो बंदा उसका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको अल्टर करेंगे यानी कि अपडेट करेंगे प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर हमने अपडेट कर लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए हम एक बंदे को सर्च करते हैं जिसका यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा, हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो वो बंदा आ गया। तो अगर मुझे अपडेट करना है, मैंने कहा इसका नाम यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं, मैंने बोला यहाँ पे विजय कुमार, ठीक है ये उसका नाम है और क्लास जो है वो इसका 7th है, और यहाँ पर मैंने इसका फीस भी अपडेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इमेज भी अपडेट कर सकता हूँ, तो मैंने कहा चूज पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया और अपलोड पे क्लिक किया, इमेज हमारा अपलोड हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया रिकॉर्ड आपका अपडेटेड हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड। अब क्या ये रिकॉर्ड वाकई में अपडेट हुआ, तो ये चेक करने के लिए हम फिर से इस बंदे को सर्च करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक किया। अब देखो विजय कुमार अपडेटेड है सेम आईडी पे और फोटो भी उसका अपडेटेड है। ओके, अब उसके बाद एक और आईडी हम यहाँ पे सर्च करते हैं, मैंने बोला नंबर 13, सेलेक्ट पे क्लिक किया, अब ये आ गया। अब ये जो बंदा आया ना, इसका डेटा तो है बट इसका इमेज नहीं है, तो इसके लिए हम इमेज इमेज एक यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो पहले आप इमेज सेलेक्ट कर लो, तो इसके लिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, सीधा अपलोड पे क्लिक करते हैं, इमेज यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस पर अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो इमेज था उस पर्टिकुलर आईडी पे जाके अपडेट हो गया। तो आईडी क्या थी, 13, यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो वो इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कितना बेहतरीन यहाँ पे ये छोटा सा एक एप्लीकेशन बन चुका है, जिसमें आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारी फंक्शनैलिटी मिल जा रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इमेज का भी फंक्शनैलिटी मिल जा रहा है कि कैसे आप इमेज अपलोड करोगे और डिलीट करोगे। अब बात करते हैं डिलीट की। तो एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, उसका आईडी क्या है, 14, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला बंदा आ गया। अब वैसे तो इसका क्या है, ये जो इमेज है ये अगर आपको बदलना है तो यहाँ पर एक इमेज हमने सेलेक्ट किया, अपलोड पे क्लिक किया, ये इमेज आ गई। अब जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अब ये बंदा अपडेटेड हो गया, इसका रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं परफेक्टली। तो देखो यहाँ पर तो श्योर हो गया कि हमारा इंसर्ट सॉरी अपडेट यानी टेक्स्ट का अपडेट और फोटो का अपडेट दोनों चल रहा है। अब हम बात करते हैं डिलीट का। तो अगर हम यहाँ पर एक और आईडी सर्च करते हैं, 15 नंबर, ये मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, तो कह रहा है कि ऐसी कोई आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फाइन, तो हम फिर से 14 को सर्च करते हैं। ओके, ये बंदा आ गया। अब मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ नहीं यार इसको डिलीट करना है। देन डिलीट पे क्लिक करो और आपका रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं दोबारा सर्च करूँगा 14 को, तो नो आईडी एग्जिस्ट, ऐसी कोई आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पर अगर मैं अदर स्टूडेंट आईडी सर्च करता हूं तो रिकॉर्ड आपको दिख जाता है यहां पे। अब चलते हैं हम अपने यहां पे सर्वर पे आते हैं, यहां पर जो हमारे पास इमेज वाला फोल्डर है इस पे आ जाते हैं। अब इस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या इमेज फाइल है। बिल्कुल, तो जितने भी फाइल हमने अपलोड की थी ना वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, बशर्ते उस फाइल का रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। पर अगर हम टेबल की बात करें तो हमारे पास जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जिस भी बंदे का आपने आईडी क्या किया डिलीट किया है, जिसका डिलीट किया आपने, यहाँ पर देखो उसका स्टेटस जीरो हो गया। ठीक है, सारा रिकॉर्ड उसका है बट वो शो नहीं होगा। ओके, उसका रिकॉर्ड शो नहीं होगा। शो कब होगा, जब आप इसका स्टेटस क्या कर दोगे, आप इसका स्टेटस अपडेट कर दोगे 1। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ 1, और जब मैं ये क्वेरी रन करूँगा ना तो जितने भी स्टेटस हैं सारे स्टेटस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब देखो सभी के स्टेटस 1 हो गए। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एप्लीकेशंस पे अपने, और यहाँ पर एक आईडी मैं इंटर करता हूँ, दैट इज़ 14 नंबर, जो कि मैंने डिलीट कर दिया था, वो देखो इसका दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर यूजर अपना रिकॉर्ड एक बार इंसर्ट कर दे तो अगर वो डिलीट करना चाहे तो हम उसको क्या दिखा देंगे, डिलीट दिखा देंगे। भाई ठीक है, आपने डिलीट किया, आपका रिकॉर्ड डिलीटेड, फाइन मान गए। और डिलीट के केस में क्या करेंगे, बस सिर्फ वही स्टेटस की वैल्यू को हम ज़ीरो कर देंगे।
बट उसका इमेज और बाकी अदर डेटा हमारे सर्वर पे रहेगा फ्यूचर यूज के लिए। फाइन, तो यहाँ पर आपने देखा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। बट अगर आपको सोर्स कोड चाहिए या फिर किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आपको हमारे चैनल का जो भी मेंबरशिप प्लान है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो मेंबरशिप के बाद आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सोर्स कोड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।